सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर सीधा आपके सामने, G20 की मीटिंग कितनी कामयाब रही, भारत में मोदी सरकार के द्वारा दे दनादन ढोल पिटवाया जा रहा है, लेकिन इस ढोल पीटने के पीछे जो G20 में कर्म कांड हुए हैं उनमें से एक बड़ा कर्म कांड आपको बता रहा हूं। चाइना ने उस दौरान जब चीन की डेलीगेशन जब भारत आई थी उस दौरान भी मोदी सरकार को लाल आंख दिखाई थी। अब ये पता नहीं मोदी जी अपनी लाल आंख किसे दिखा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि शायद सिर्फ भारत के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अब UN का भी मानना है, अमेरिका भी जानता है, बाइडन भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि लाल आंख और 56 इंच सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आपके सामने सीधा नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जब होटल में मची खलबली। असल में भैया हुआ क्या समझिए, G20 में आया चीनी स्टाफ सूटकेस में क्या लाया था, जांच से इनकार करने पर 12 घंटे चला ड्रामा। आसान जबान में आपको बता रहा हूं कि चाइना ने क्या किया था। G20 में एक बड़े 7-स्टार होटल ताज पैलेस होटल जो दिल्ली में है स्थित, वहां पर कई सारे नेता टिके हुए थे, चाइना की डेलीगेशन को भी वहां भेजा गया, लेकिन चाइना की जो टीम थी उसमें एक अधिकारी के पास एक ब्लैक कलर का बैग था, लेकिन साइज और डिज़ाइन में थोड़ा वो अटपटा था, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल के तहत उनको जाने दिया गया कि कोई बात नहीं जाइए। लेकिन जब उस बैग को अंदर किसी स्टाफ ने देखा और उसको शक कुछ हुआ तो उसने अपने सीनियर को बताया, सिक्योरिटी को, उस वक्त तुरंत हड़कंप मच गया। भारतीय जांच एजेंसियां सख्ते में आ गई, क्योंकि चाइना कितना खतरनाक है ये सारी दुनिया जानती है और चाइना बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, ये भी क्लियर है। ऐसे में जो सीनियर हेड थे सिक्योरिटी स्टाफ के, उन्होंने कहा कि इसकी तो जांच करनी पड़ेगी। अब चाइना के उस बंदे के पास गए जो वो बैग लेके आया था, उनसे कहा कि भाई साहब आप एक बार इस बैग को वो चेकिंग मशीन में आप डलवाने दीजिए, चेक करके बैग आप वापस। वो बंदा माना नहीं, चीन का वो अफसर माना नहीं, हत्ता कि 12 घंटे तक बहस होती रही। चाइना जिद पर रहा कि हम चेक नहीं करवाएंगे और भारतीय एजेंसियां इस जिद पर रहीं कि नहीं हम तो चेक करवाएंगे ही करवाएंगे, इसके बिना नहीं कुछ होगा भाई। इसके बाद बड़ा बवाल हो गया। इससे पहले कि बवाल होटल से बाहर निकलता, जो कि अब निकला है, जब 3 सीनियर अधिकारियों को जांच एजेंसियों ने कहा कि देखो इस कमरे के अंदर, जिस कमरे में चीन का ये नागरिक है, चीन का ये अफसर है, उसके बाहर तैनात रहो जब तक बैग इसके पास है। 12-15 घंटे होने के बाद चीन का दूसरा अधिकारी जब उसने देखा कि यार ये तो कमरे के बाहर से ही नहीं हट रहे हैं, तो वो बाहर निकल के आया और हमारे इंडियन जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग थे उनसे कहा कि ऐसा है, इस बैग को हम चेक तो नहीं करवा सकते, लेकिन इस बैग को जो हमारे आपके भारत में ही जो दूतावास है चीन का हमारा, वहाँ हम भेज देंगे। तो जांच एजेंसी ने कहा ठीक है, आप चेक नहीं करने देना चाहते तो आप इसको वहाँ भेज दीजिए अपने दूतावास पर, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। इसके बाद एक्सपर्ट का कहना ये है कि हो सकता है कि उसके अंदर सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो एक ऐसी मशीन हो जिससे सैटेलाइट को जाम किया जा सकता हो, उस मीटिंग को बाधित किया जा सकता हो, सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती हो, क्योंकि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। उस बैग के अंदर क्या था हम कोई लिखित में नहीं दे सकते, ये जांच एजेंसियां कह रही हैं, हम कोई श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन चीन की वो हरकत काफ़ी डराने वाली और शक करवाने वाली थी। आखिरकार दोस्तों, लाल आंख की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको चेक किया जा सके। अबे वो दूतावास, चीन के दूतावास में गया बैग, तो चीन का दूतावास पाकिस्तान या चाइना में थोड़ी ना था, भारत की राजधानी दिल्ली में था ना। गुद्दी पकड़ के चाइनीज की आंख चीर के पूछते कि क्या है इसके अंदर, दिखा, 2 थप्पड़ लगाते और देखते भाई, लाल आंख तो तभी मानते हम। लेकिन दोस्तों, चीन ने यहां भी दादागिरी दिखाई है और ये बात गोदी मीडिया ने आपसे छुपाई है।
आपको ये बात सिर्फ रजा ग्राफी ने बताई है। अरे वाह 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 यार, शायर हो गए हम तो। उधर एलन मस्क के ट्विटर यानी एक्स से भी परेशान है मोदी सरकार। नेशनल प्राइम टाइम की कुछ बड़ी खबरें इधर भी चिपका देता हूं, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काफी ज्यादा फेमस होती हैं और होने वाली होती हैं। इस वजह से हमारी खबर को पूरा देखा करिए, वरना आप नुकसान में रहेंगे। कोर्ट के अंदर मोदी जी की सरकार ने कहा है कि जी हम ट्विटर का कंप्लेंट करते हैं, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे वो सारे अकाउंट के खिलाफ और कंटेंट के खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं। दोस्तों 2024 भी तो आ रहा है, ऐसे में इनका फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई फैक्ट चेक करने वाला व्यक्ति हो, कोई इनकी फेक न्यूज़ पर सच बोल देने वाला व्यक्ति हो, इनके प्रोपेगेंडा को फेल कर देने वाला व्यक्ति हो, जब ट्विटर पर लिख कर इनको नंगा कर देते हैं तो मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को ये अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर आपने देखा है पत्रकारों, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग जब मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हैं तो तुरंत होता क्या है, उसका अकाउंट उड़ा दिया जाता है और उसके पास मेल जाता है कि मोदी सरकार ने आपकी कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद हमें आपके अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है। कुछ कुछ अकाउंट्स को कंप्लेंट के बाद भी ट्विटर नहीं बैन करता, क्योंकि भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। मोदी जी तो ये चाहते हैं कि मैं बोल दूं इसको ब्लॉक कर दो, इसका अकाउंट चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 1001% सच्चा हो, क्योंकि मैंने कह दिया दोड़ा दो। तो ये वाली जो सोच है, इस सोच की वजह से बुरा लग रहा है बीजेपी को, और सरकार ने बीजेपी की कोर्ट में कहा है कि कंप्लेंट के बावजूद ऐसे बहुत सारे कंटेंट और ऐसे बहुत सारे लोगों के मतलब अकाउंट है कि कंप्लेंट हमारी सरकारी कंप्लेंट के बावजूद ट्विटर उसको डिलीट नहीं करता, मतलब गायब नहीं करता। तो अब मुझे ये लगता है दोस्तों 2024 से पहले पहले शायद ट्विटर को भी बंद कर दिया जाए भारत में, है कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री महाशक्तिशाली हैं और महाशक्तिमान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चाइना ने अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा एक मैप जारी किया जिसमें भारत का कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वद्दाख नेपाल वाल सब अपना दिखा दिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई, ना भाजपा के किसी नेता की हिम्मत हुई कि सामने आकर वो कुछ बोल सके, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ नरवणे ने चाइना का मैप असली जारी कर दिया और चाइना के टुकड़े टुकड़े दिखा दिए। ये है वो चीन का मैप जो जारी किया है मनोज नरवणे जी ने, जिसमें चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान दिखा दिया है कि तुर्किस्तान से चीन ने इस पर कब्जा किया, तिब्बत पर चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत दिखा दिया COT, इसी तरह से चाइनीज ऑक्यूपाइड यूनान यानी यूनान से कुछ हिस्सा चीन ने चुराया, इसी तरह से चाइनीज ऑक्यूपाइड मंचूरिया का इलाका कब्जा किया चीन ने, इसी तरह से मनोज नरवणे ने पोल खोलते हुए दिखा ऊपर वाला एरिया चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया के इलाके को जो कब्जा किया। तो जो लाल वाला इलाका है असल में बस वही चाइना है, बाकी चारों तरफ उसने कब्जा कर करके अपने इलाके को बढ़ाया है। तो दोस्तों इस मैप के बाद चाइना को मुंहतोड़ जवाब तो मिला ही है। 2 साल पहले जब मैं बार बार कह रहा था कि मोदी सरकार को चाइना के खिलाफ एक्शन लेना होगा, बॉर्डर पर हथियार तैनात करने होंगे, सेना को मजबूत करना होगा, सेना की तैनाती करनी होगी, एडवांस हथियार तैनात करने होंगे, तो यहां आड़ भक्त नीचे कमेंट करता था चाइना की तारीफ कर रहा है, ये चाइना ग्राफी है, तुम्हारा बाप का ग्राफी हूं। ये देखो अब मोदी सरकार वही कर रही है जो 2 साल पहले मैंने कहा था, हिमालय के आसपास भारत के जो एयरबेसेस हैं उनको अपग्रेड कर रहा है भारत, और यही बिल्कुल सही कदम है। अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे उन चाइना के आसपास हिमालय के पर्वत के आसपास जो हमारी बेसेस हैं, एयरफोर्स के बेस हैं, उसको अपग्रेड किया जाएगा, एडवांस बनाया जाएगा। दोस्तों उधर चाइना को बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि वो ससुरा है चाइना, चाइना का माल आप जानते हैं नकली होता है, डिफेंस से जुड़े हुए चीजें वो बनाता है
वो ज़्यादातर फुस्सी निकलते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आपके सामने है। बता दूं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7.8 यानी लगभग 8% जो इसका बिजनेस है हथियारों का ठप हो गया है, डाउन हो गया है, क्योंकि इसके हथियार यानी चाइना के हथियार फुस्सी निकल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री, अब जब वो वापस गए हैं जैसे तैसे, तो विपक्ष की पार्टी जस्टिन ट्रूडो पर भड़की हुई है। उनका कहना यह है कि जस्टिन ट्रूडो से भारत सरकार बहुत ज़्यादा नाराज है, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को भारत ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी और बिल्कुल अलग थलग कर दिया, और जस्टिन ट्रूडो ने फ्री ट्रेड पर बात भी नहीं करी। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार नाराज है। इसी के साथ दोस्तों आपके सामने एक और बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूं कि जल्दी से रजा ग्राफी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबर कोई आपको देगा नहीं, और कोई देगा भी तो एक रिपोर्ट में एक खबर, समझ रहे हैं आप। क्रोनोलॉजी यूट्यूबर्स की बता देता हूं मैं, ये किसी की छुपाता नहीं हूं। पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा देश बना है कोई, जिसने मान्यता आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान को दे दी है। कौन है, कौन है, कौन है? चाइना है। ये देखिए, एक तरह से मान्यता दे ही दी है। चाइना ने अपना अम्बेसडर, ऑफिशियल अम्बेसडर अफगानिस्तान के लिए घोषित कर दिया, जिसका नाम जो है झाओ जिंग है। अब झाओ जिंग वो ऑफिशियल लेटर लेकर तालिबान के अधिकारियों से मिले, हत्ता कि वो लेटर ले जाकर तालिबान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, नाम है उनका मुल्ला हसन अखंद, उनसे मिले हैं, उनको लेटर दिया है। यानी तालिबान और चाइना इस वक्त एक हो गए हैं, और ये भारत और पाकिस्तान के लिए ही ज़ोरदार झटका है। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान से हमारे रिश्ते बढ़िया हो जाएं, और भारत ने अंधाधुंध पैसा अफगानिस्तान की सरजमीन पे लगाया है, और भारत चाहता था कि चाइना को ज़्यादा एंटरटेन ना करे तालिबान, लेकिन भाई साहब वो तो बाजी मार गया। उधर दोस्तों एक अंदर की बात चाइना की बता दूँ, चाइना की जो सरकार है, शी जिनपिंग है राष्ट्रपति, उनको मिलिट्री कूप का डर है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको ये डर है कि हमारी सेना जो है हमारे देश पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि भाई आजकल ट्रेंड चल रहा है सेना जो है कब्जा कर लेती है। चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है। अब ऐसे में खबर ये है, जो रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शी जिनपिंग सिर्फ इसी डर की वजह से बार बार अपने सैन्य बेस पर जा रहे हैं और सेना को जंग के लिए तैयारी करने को कह रहे हैं, और साथ में उनको ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर भरोसा करो। अलादीन चलिए। उधर ताइवान ने फिर बताया है कि हमारे आसपास के इलाकों में 35 चीनी फाइटर जेट फिर से उड़ते हुए घूमते हुए नजर आए हैं। उधर चाइना और वेनेजुएला के बीच बड़ी डील हो गई है, टूरिज्म, ट्रेड और कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस समेत कई सारी चीज़ों की डील कर ली है। जिस तरह से वेनेजुएला और ईरान करीब हैं, अब वेनेजुएला और चाइना भी करीब हैं। पाकिस्तान की सरकारी वो एयरलाइन PIA अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कंगाल हो गई है। पाकिस्तान की इस एयरलाइन की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसके साथ साथ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक बार फिर से बेइज्जती हो रही है। मैं आपको बता दूं कि PIA ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम कंगाल हो गए हैं, 26 जहाज़ों में से सिर्फ हम पहले से 16 ही जहाज़ उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमें फंडिंग की ज़रूरत है। सरकार ने अगर कुछ ही दिन में हमें फंड नहीं दिया तो पूरी तरह से ये जो 16 बचे कुचे मरे हालत में जो जहाज़ हम उड़ा रहे हैं वो भी उड़ना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आवाज़ उठ रही है, जिस झड़प में 6 लोग मारे गए हैं, वो भी जो लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैद जो है 2 हफ्ते की और बढ़ा दी गई है। भविष्यवाणी करूँ, इमरान खान को तो अंदर ही या तो निपटा दिया जाएगा या फिर
उनको तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। पाकिस्तान के हथियारों की बड़ी जानकारी रजा ग्राफी के पास आई है, आइए उनकी पोल खोलते हैं, बल्कि उसकी ताकत दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वो डिटेल्स हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की। ये ऐसे मिसाइल हैं जो कि किसी को भी तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एयर डिलीवर वेपन जो है मिराज है, JF-17 है, इनके पास 36 हैं मिराज। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मिराज की रेंज है इसमें बताई गई है 2100 किलोमीटर। इसके अलावा वॉरहेड कौन कौन से ले जा सकते हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा लैंड बेस्ड वेपन हैं, अब्दाली है, गजनवी है, शाहीन ए है, शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, गौरी है, और नसर है, अबाबील है, और बाबर है, A1, बाबर 2, और इसके अलावा जो समुद्र में है उनका वो है बाबर 3 SLCM। और टोटल इनके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं जो किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अगला ग्राफ आपके सामने लगा रहा हूं जिसमें आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान का मैप, जहां पर मिसाइल के पार्ट्स बना रहा है। आपको बता दूं कि चश्मा का इलाका है और वाह फतेह जंग का इलाका है, निलोर का इलाका है, जहां पर पाकिस्तान मिसाइल के पार्ट्स बना रहा है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट और हथियार उसने जो रखे हैं वो है मिनहास कामरा के इलाके में एयरबेस पर, रफीक एयरबेस पर और शहबाज एयरबेस पर। ये तमाम हथियार, हवाई हथियार, एक ऐसे हथियार जो हवा से ज़मीन पर न्यूक्लियर दाग सकते हैं। इसके अलावा लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल उसने इन इन जगहों पर रखी हुई हैं। एक का नाम है सरगोधा, दूसरा जगह का नाम है पानो अकील गैरिसन, और तीसरे जगह का नाम है गजरावाला, चौथे का नाम है खुजदार गैरिसन। अभी ये लिमिटेड जानकारी है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। इसके अलावा आप ये वाला मैप देखिए जरा, पानो अकील गैरिसन के इलाके में, गुजरावाला के इलाके में आप ये खतरनाक पाकिस्तानी बेस देख लीजिए। जंग की तैयारी खुद पाकिस्तान ने पूरी कर रखी है। उधर वियतनाम में एक बिल्डिंग में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। आग कैसे लगी नहीं पता, लेकिन 20 सालों में पहली बार वियतनाम में ऐसी खतरनाक आग लगी है जिसमें 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल। अमेरिका और अमेरिका के वैज्ञानिक बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने पता लगाया है एलियंस का और उनके पास एलियंस के सबूत मौजूद है। इधर अमेरिका दावा ही कर रहा था कि मैक्सिको की पार्लियामेंट में डरा देने वाले, रूह को हिला देने वाले और आंखों को फाड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ गई। मैक्सिको की संसद में एलियन की, ये देखिए तस्वीर, एलियन की जो है ममी पेश कर दी गई, जिससे साफ सबूत साबित हो गया, क्लियर हो गया कि अमेरिका के बाद मैक्सिको में भी एलियन मौजूद है। 1000 साल पुराने शव को पेश किया, ये पेरू की खदान में मिले थे और ये एलियन का पूरा शव क्लियर कट नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक अल्लाह की बहुत सारी मखलूक हैं, ऐसी मखलूक जिनको हमने अभी देखा नहीं है और जिनको अभी देखना और जानना बाकी है। उधर दोस्तों लीबिया से आपको दिल दुखाने वाली एक जानकारी, बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या 6000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और अभी ये बढ़ सकती है। 20,000 अभी लोग गायब हैं और समुद्र के अंदर बॉडी बह गई है। लीबिया के मिनिस्टर ने सीधा सीधा कह दिया है कि मौत का आंकड़ा डबल भी हो सकता है। हालात इतने ख़राब हैं कि आप सोच नहीं सकते। 20,000 तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिटर्न में लिखा हुआ है कि 20,000 तो अभी लापता हैं। दो डैम टूटने की वजह से डेरना शहर और उसके बराबर का जो शहर है पूरी तरह से मिट चुका है। मदद भी वहाँ नहीं पहुँचाई जा सकती क्योंकि वहाँ ना एयरबेस है, ना कोई समतल जगह है, ना कोई सड़क बची है। Thank you.
मोरक्को में जबरदस्त भूकंप आया था तो अल्जीरिया जानी दुश्मन ने कहा था कि हम मदद को तैयार हैं, लेकिन मोरक्को ने 4-5 देशों से मदद मांगी और अल्जीरिया की मदद के ऑफर को ठुकरा दिया। मोरक्को में जो भूकंप आया था उसकी तबाही का अंदाजा एक्सपर्ट कुछ इस तरह लगा रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर दागा था और जितनी अमेरिका ने बर्बादी उस न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए मचाई थी उससे 30 गुना ज्यादा तबाही मोरक्को की हो गई है इस भूकंप से। उधर मोरक्को के किंग को देख लीजिए, ये कोई आम व्यक्ति नहीं, मोरक्को के किंग है। ये अस्पताल मरीजों को देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने फिर खुद ब्लड डोनेट किया, यानी रक्त दान किया है। उधर दोस्तों नाइजर में अलग खेल चल रहा है। नाइजर की जनता ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है और प्रदर्शन कर रही है कि फ्रांस की मिलिट्री और फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ से निकल जाए। फ्रांस नहीं माना, लेकिन अब नाइजर की मिलिट्री ने फ्रांसीसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद फ्रांस नरम पड़ा है और फ्रांस ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे उस नागरिक को रिहा किया जाए। आईफोन पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है, या कहूं कि बड़ा खुलासा किया है, लेकिन फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने कहा है कि एप्पल आईफोन का 12 जो वर्जन है, आईफोन 12, सभी आईफोन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रांस ने खुद कहा है कि आईफोन का जो 12 मॉडल है वो रेडिएशन लीक कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। जिसके बाद हम ये मांग करते हैं कि एप्पल का जो आईफोन 12 है इसका प्रोडक्शन और इसका एक्सपोर्ट फ्रांस के अंदर बंद कर दे, इसको बेचना बंद कर दे फ्रांस के अंदर। दूसरे मॉडल बेच रहा है बेचे, लेकिन आईफोन 12 फ्रांस में ना बेचे। इसके बाद एप्पल ने आधिकारिक तौर पर इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट और खासकर ये आईफोन 12 जिस पर इल्जाम आप लगा रहे हैं रेडिएशन लीक नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।